सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मेरे मन में कुछ ऐसा भाव है जिसे बताने के लिए मेरा मन व्याकुल था। आज जिसे भी देखो संसार में कई प्रकार के लोग मिलते हैं, उनमें से एक आध तो यही कहता है कि मैं धर्म को नहीं मानता, कोई कहता है मैं धर्म को मानता हूँ, कोई कहता है धर्म ऐसा है, कोई कहता है धर्म ऐसा है। हमारे वेदों में शास्त्रों में धर्म की रक्षा करने की बात कही गई है, पर धर्म की चर्चा करने वाले भी सुनने वाले भी बहुत समय पर ऐसा आता है कि वो धर्म को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है हम तो धर्माचार्य हैं, हम तो खुद धर्म को जानते हैं, हमारे माथे पे तिलक लगा हुआ है, हम जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। पर ये सच नहीं है। धर्म की रक्षा धर्म के मुताबिक की जाएगी। धर्म किसे कहते हैं? वेद जिसे स्वीकृति दे वो धर्म है, और वेद जिसे स्वीकृति ना दे, अस्वीकृत कर दे, वो अधर्म है। हमारे वेद में अनेक ऐसी चीजें हैं जिनको मना किया गया है, वर्जित किया गया है, इसके बावजूद भी हम लोग अपने जीवन में एवरीडे वही करते हैं और कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक और बात, धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, जो जीव धर्म की रक्षा करता है निश्चित तौर पर धर्म उसकी रक्षा करता है। पर हम लोगों को धर्म के विषय में जो भी थोड़ा बहुत मालूम है उससे भी हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी तक नहीं लेके जा रहे हैं। और आज देखो विधर्मी लोग जो सत्य सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, वो भी हमारे ऊपर कितना सब कुछ बोल के चले जाते हैं, हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, हमारे धर्म गुरुओं का मजाक बनाते हैं, हमारे पुराणों का मजाक बनाते हैं। जानते क्यों? एक उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक व्यक्ति एक गांव में होके जा रहा था, और जब गांव में होके जा रहा था तो उस गांव में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड में 10-15-20 लोग फुटबॉल खेल रहे थे। वो गांव का एक किसान था जिसे पढ़ाई लिखाई से और ऐसे गेम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। देखा कि भीड़ इकट्ठी हो रही है तो वो भी वहाँ रुक गया। वैसे भी हमारे भारत में तो एक चीज़ होती है, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम लोग जाते हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए, हम भी उसे देखे बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों का एक स्वभाव है। तो वो भी रुक गया वहाँ पे, और जब वो वहाँ पे रुका तो उसने देखा कि 20-22 आदमी एक बॉल उन्होंने पैरों में डाल रखी है, कभी कोई लात मार रहा 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 है। उससे नहीं रहा गया। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे उनसे पूछा, प्रणाम करके बोले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले ये इतने सारे लोग इस बेचारी बॉल को इतनी लात क्यों मार रहे हैं? तो बुजुर्ग ने अपने अनुभव को बताया और बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया। बोले जानते हो क्यों मार रहे हैं? बोले क्यों? बोले इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से खाली नहीं होती, भरी हुई होती, तो किसी की मजाल कि इसमें लात मार पाता, एक भी व्यक्ति इसके पास भटकता नहीं। ये अंदर से खाली है इसलिए लोग इसे मार रहे हैं। और मुझे ये बात समझ में आ गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका आंसर। आज भी हमारे धर्म पर कोई भी कुठाराघात करके चला जाता है, जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। अगर हमने इस धर्म को जी लिया होता, अगर हमने इस धर्म को समझ लिया होता, अगर हमने उस सिर्फ सुन के धारण कर लिया होता, तो मैं निश्चित कहता हूं किसी की मजाल की कोई हमारे धर्म पर उंगली उठा जाए, उस धर्म पर जो धर्म साक्षात भगवान श्री राम है,
रामा विग्रहवान धर्म, साक्षात भगवान जिस धर्म को, जिस मार्ग को, जिस प्रथा को, जिस पद्धति को भगवान के द्वारा चलाया गया हो, अगर उस पर भी कोई उंगली उठाए तो एक रीजन समझ में आता है कि हम अंदर से खाली है। मेरी बात को ऐसे ही मत समझिएगा, ईमानदारी से सोचिएगा हम और आप कितने धर्मात्मा हैं। मंगलवार को हम लोग मीट नहीं खाते हैं, बाकी गजब मिल जाए खा लेते हैं। फलाने दिन ट्यूसडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन में ड्रिंक नहीं करता, बाकी सब दिन कर लेते हैं। इस दिन में मंदिर जाता हूँ, बाकी के दिन में कहीं भी चला जाता हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने एक दो चीज़ें गिनाई हैं, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में अपने आप को धर्मात्मा भी कहते जाते हैं और ये सब चीज़ भी करते हैं, क्योंकि हम अंदर से खाली हैं इसलिए लोग हम पर उंगली उठाते हैं। अगर हम अंदर से खाली ना हो, हम जिन शब्दों को सुनते हैं, जिस धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, उनको अगर बच्चों को भी सुनाएं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो किसी की मजाल नहीं कि वो हमारी तरफ। आजकल तो बड़े लंबे लंबे भाषण लोग धर्म पे देते हैं, और वो जो भाषण देते हैं वही धर्म को कुचलते हैं। मैं ज्यादा किसी के विषय में ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, हम लोग अंदर से खाली हैं। ये खालीपन दूर हो, ये तभी दूर होगा उसका एकमात्र, क्योंकि अंधेरा जहां होता है वहां प्रकाश की आवश्यकता होती है। कोई स्विच हो, कोई लाइट हो, कोई बल्ब हो जिसे हम ऑन कर सकें तो प्रकाश हो जाएगा। ठीक वैसे ही जिसे अभी हम सुन रहे हैं उसे हम धारण करें, ज्ञान का प्रकाश अपने हृदय में करें और उस ज्ञान से उन लोगों के अंधकार को समाप्त करें जो अज्ञानता के कारण हमारे धर्म के ऊपर कुछ भी बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसा करेंगे तो निश्चित हमारे धर्म का जो बाहुल्य है वो बढ़ेगा और लोग उस धर्म की शरणागति लेंगे और उस धर्म की शरणागति होकर वो प्रसन्न होंगे। आप अपने बच्चों तक तो ये बात जरूर पहुंचाइएगा, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा अपने घर में कीजिए, धर्म आपके घर की रक्षा करेगा, ये मेरा विश्वास है। राधे राधे।